हेलो एवरीवन, आज हम 8th का मेंसुरेशन चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत बोल रहे थे कि मेंसुरेशन चैप्टर कराओ। देखो, इसमें अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे उसमें आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर किसी ने पीडीएफ डाउनलोड की होगी तो उसको 11.1 दिख रहा होगा। बेहतर है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर भी बोलूंगा, आप वैसे ही इसको तैयार करो। ठीक है, अब देखो, अब हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिसेज कामरान हैज अ स्क्वायर प्लॉट। देखिए मिसेज कामरान के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, डायग्राम आपको दी हुई है लेकिन मैं फिर से बनाऊंगा। स्क्वायर का आपको पता है लेंथ ब्रेड सेम होता है, इसने दिया है विद मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर वो 25 है। देखो यहाँ पर 25 मीटर। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट विद द डायमेंशन। देखो ये चाहती है कि मैं इसके अंदर एक अपना घर बनाऊं, लेकिन इसने दिया है ना डायमेंशन 20 मीटर x 50 मीटर, मतलब वो एक रेक्टेंगुलर घर होगा। मतलब ये चाहती है कि मैं एक ऐसा घर इसके अंदर बनाऊं। ये क्या है, इसने हाउस बनाया है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है, 20 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है वो 15 मीटर इसने दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने खुद बनाई। अब देखो, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब देखो यहाँ पर जो स्पेस बची ना, देखो यहाँ से जो स्पेस बची, ये चाहती है कि मैं इसमें एक गार्डन बनाऊंगी। ठीक है, मिसेस कामरान चाहती है कि मैं इसमें एक गार्डन बनाऊंगी। अब देखो, गार्डन वाले ने उससे कहा कि मैं आपको 55 रुपीज़ लूंगा पर मीटर क्यूब, यानी अगर आपका एरिया 1 मीटर क्यूब है उसके लिए मैं आपको 55 रुपीज़ चार्ज करूंगा। ठीक है, अब देखो जितना इस गार्डन का एरिया होगा उसी हिसाब से तो इसके पैसे लगेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने पैसे लगेंगे इस गार्डन को बनाने के लिए, पहले तो गार्डन का एरिया निकालना होगा। गार्डन का एरिया जितना होगा उसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही पैसे इसको लगेंगे। अब देखो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, देखो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे। एरिया ऑफ गार्डन वो कैसे आप निकालोगे, देखो सिंपल है, आप ये पूरा एरिया निकालो, ये पूरा एरिया उसको माइनस करो अंदर वाला, आपको ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखना है आपको, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस आपको करना है एरिया ऑफ हाउस जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। अब देखो स्क्वायर का एरिया कैसे लिखते हो, जो भी उसका साइड दिया होता है उसको दो बार लिखते हैं, 25 × 25। ठीक है, माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ हाउस, हाउस क्या है वो तो रेक्टेंगुलर शेप है, उसका तो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20 × 15। ठीक है, 25 × 25 कितना होता है, 625 माइनस 20 × 15 कितना होता है वो 300 होता है, इसको माइनस करोगे एरिया कितना आया, 325 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इसको आया। देखो अगर 1 मीटर एरिया होता उसको 55 रुपीज़ लगते, लेकिन एरिया इतना है, अब कितने पैसे लगेंगे, देखो रिक्वायर्ड कॉस्ट कितना होगा वो 325 × 55 होगा। ठीक है, एक के लिए 55 है, 325 के लिए कितना होगा, 325 × 55, इसको जब आप करोगे इसका आंसर आ जाएगा 17,875 रुपीज़ उसको लगेंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। देखो अब देखो एक्सरसाइज 10.1 ही है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। देखो बीच में ये रेक्टेंगल जैसा है, हाँ बीच में रेक्टेंगल जैसा है, और एंड्स पे ये दो सेमी सर्कल है, यहाँ से एक है और यहाँ से एक है। ठीक है, उस सेमी सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ है 7 मीटर, अगर आप रेडियस निकालोगे वो कितनी होगी, 7/2 वो कितना होता है, 3.5 मीटर। ठीक है, यानी इसकी भी रेडियस कितनी है, ये रेडियस 3.5 मीटर है, इसकी भी रेडियस कितनी है, 3.5 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया और आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है इस गार्डन का। देखो सिंपल आपको मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो अगर मैं बोलूँ आपको एरिया, एरिया किसके बराबर होगा, सर दो शेप्स बन रही है ना, दो शेप्स का एरिया ऐड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस देखो दो बार दो सेमी सर्कल है ना, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो आपने आप कैसे निकालते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सीधी बात है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन ये लेंथ क्या है, लेंथ तो यहां से लेकर यहां तक है। देखो ये पूरा 20 है, देखो समझाता हूं आपको, देखो ये पूरा आपका 20 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक वो 3.5 मीटर है, वो सर्कल का पार्ट है ना, ऐसे ऐसे यहां से लेकर यहां तक भी ये कितना है, 3.5 मीटर है। अब देखो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ पूछूं, वो 3.5 इन दोनों को ऐड करके 20 में माइनस करेंगे, 20 − 3.5 − 3.5 वो होगा 20 − 7, वो होगा 13 मीटर। ठीक है, यानी जो लेंथ होगी, जो ये वाली लेंथ होगी ना, वो बेसिकली आपकी 13 मीटर होगी। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो ये 7 है, ठीक है ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है ना, ठीक है इंटू 7। अब देखो प्लस क्या करोगे, ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पता है कितना होता है, πr² / 2। देखो पूरा अगर सर्कल होगा वो πr² है, अगर आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल है डिवाइड बाई 2 करो। ठीक है, अब बस इसको आपको वैल्यूज डालनी है। देखो ये 13.7 कितना होता है, ये होता है आपका 13.7, देखो ये 91 आएगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, प्लस पाई कितना है 22/7, इंटू रेडियस कितना है 3.5 × 3.5। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 91
प्लस, ये आप कैलकुलेट करोगे ना, ये आपका आ जाएगा 38.5, ये कैलकुलेट करके 129.5 मीटर स्क्वायर इस पूरे रेक्टेंगुलर इस पूरे गार्डन का एरिया आएगा। अब दूसरा पार्ट क्या निकलना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, आपको इस पूरे बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, ये पूरी आपको लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, देखो 13 प्लस पाई आर प्लस 13 प्लस पाई आर, देखो कैसे यहाँ से चला मैं, ये 13 था, फिर इस सेमी सर्कुलर का पाई आर, फिर यहाँ से 13, फिर यहाँ से पाई आर। ठीक है, क्या करना है, पूरे बाउंड्री का आपको लेंथ निकालना है और कुछ नहीं, आप पेरीमीटर तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो 13 प्लस 13 कितना 26 प्लस पाई आर प्लस पाई आर वो कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये कितना आएगा 26 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस कितना है 3.5, ये कैलकुलेट करके आपका 48 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ठीक है, इसी 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। देखो ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप, देखिए आपके पास कुछ टाइल्स है, ठीक है, आपको एक फ्लोर पे टाइल्स लगानी है ऐसे, लेकिन ये जो टाइल्स है इनका शेप क्या है, पैरेललोग्राम है ना। फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज इतना एंड हाइट इज इतना। ठीक है, हाउ मेनी साइज टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, देखो आपको एक फ्लोर दिया है जिसका आपको एरिया पता है, उसमें आपको कितनी टाइल्स लगेंगी। देखो कैसे करना है, पहले आप निकालो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर आपको दिया है, एरिया ऑफ फ्लोर वो किसके बराबर होगा 1080 मीटर स्क्वायर, वो दिया है ना, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखो ये तो मीटर स्क्वायर में है, बाकी सारी सेंटीमीटर में है। अब आपको ये पता होगा कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही डालो। देखो अब इसको कन्वर्ट करना है, 1080 इंटू क्या करेंगे 10,000, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बना, एरिया कितना है 1080 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास उस फ्लोर का एरिया आया। अब देखो अगर मैं एरिया ऑफ वन टाइल निकालूं, एरिया ऑफ वन टाइल, सर एरिया ऑफ वन टाइल वो कितना होगा, पैरेललोग्राम का एरिया 24 × 10 बेस × हाइट, ठीक है, वो कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिंपल, अगर आपको निकालना है ना नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द सिंपल, देखो क्या करना है, आपको एरिया ऑफ फ्लोर पता है, हाँ सर वो तो हमने अभी निकाला, वो तो दिया हुआ है, डिवाइड करो आप एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल बस इसको डिवाइड करो, देखो 1080 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 240, बस इतना ही आपको करना है, 0 0 खत्म, इसको कैलकुलेट करके आएगा 4500 टाइल्स, यानी मुझे 45,000 टाइल चाहिए उस फ्लोर को कवर करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब देखो 10.1 यहाँ पर खत्म हुई, अब 10.2 का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है, आपको रोम्बस का एरिया यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, देखो आपको दिया क्या है पहले वो देखो। ठीक है, आपको दिया क्या है पहले वो देखो, देखो कैसे करना है इस सवाल को, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो हुज साइड इज, देखो एक रोम्बस ऐसे होती है ना, थोड़ी सी ऐसे एक रोम्बस होती है, देखो हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बनाया ये वाला साइड, मान लो अब 6 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, ये कितना है, ये 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो एक डायगोनल इसने दिया है, एक डायगोनल कितना है मान लो ऐसे, ये वाला डायगोनल, ये कितना है, ये इसने दिया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा सर, अब पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, हमें दूसरा ये जो डायगोनल है ना ये, इसकी हमें लेंथ चाहिए, इसकी हमें लेंथ चाहिए। सवाल आपको समझ आया, अब ईजी है। देखो आपको पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सर वो हम करते हैं बेस इंटू अल्टीट्यूड। हाँ ठीक है, करो, बेस तो आपको पता है, बेस कितना है वो 6 है, इंटू अल्टीट्यूड कितना है वो आपके पास 4.8 है, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करो ना, बेस इंटू यानी 6 × 4.8, आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आ जाएगा 28.8। ठीक है, लेकिन आपको दूसरा फॉर्मूला भी पता है, आपको ये याद करना है ना, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, आपको दूसरा फॉर्मूला पता होगा हाफ ऑफ डायगनल 1 × डायगनल 2। ठीक है, एरिया तो अभी आपने निकाला, कितना वो कितना है वो आपके पास है 28.8 इज इक्वल टू 1/2, डायगनल 1 कोई भी ले लो, मान लो आपको डायगनल 1 दिया था वो कितना था 8, डायगनल 2 तो हमें निकालना है। ठीक है, देखो 2 × 1 = 2, 4 = 8, डायगनल 2 किसके बराबर आया 28.8 डिवाइड बाई 4, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर है। ठीक है, 28.8 डिवाइडेड बाई, ठीक है ये 28, अब देखो डायगनल 2 आपका आ जाएगा 28.8 × 4, 28.8 × 4, ठीक है ये आपका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ये 115.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो महराज वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, देखो यहाँ से आप देखो ना ऐसे ऐसे वो एक फील्ड लेना चाहता है,
मैं खुद बना रहा हूँ डायग्राम्स ताकि आपको समझ आए। देखो ऐसे एक ट्रेपेजियम शेप, वो एक फील्ड ठीक है बनाना चाहता है। देखो इसके यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से इसके रोड है, ये रोड है ठीक है, और नीचे से इसके रिवर है ठीक है, ये इसका रिवर है। अब देखो क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, इफ साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द टू, देखो ये जो रिवर वाला साइड है ना, ये वाला साइड जो है ना, ये इस रोड वाली साइड के पैरेलल है ठीक है, वो तो हमें दिख भी रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एंड टूवाइस, यानी ये जो साइड है, अगर ये वाला साइड कुछ एक्स है, ये उसकी दुगना है टूवाइस, यानी वो टू एक्स है ठीक है, समझ आ रहा है आपको। हाँ अब देखो इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया आपको दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है कितना 100 मीटर, आपको लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, आपको इस 2x की वैल्यू ढूंढनी है ठीक है। देखो कैसे करना है आपको, बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है वो उसी से आप निकाल लोगे। देखो आपने क्या किया, आपने कहा कि लेट रोड साइड, रोड साइड वाली जो लेंथ है उसको आपने कहा x मीटर ठीक है, एंड रिवर साइड को आपने क्या कहा, रिवर साइड को आपने 2x कहा, वो तो दिया हुआ था ना ट्वाइस है। अब देखो एरिया कितना दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर, हाइट कितनी दी हुई है सर, हाइट भी दी हुई है 100 मीटर ठीक है। अब आप देखो ये तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, इनको क्या करना है सम करना है। देखो हाफ ऑफ, एक पैरेलल साइड को हमने एक्स माना, दूसरे को हमने टू एक्स माना, उसको प्लस करो, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी इनके बीच में 100 है ठीक है, इनटू 100, बस हो गया सवाल खत्म। देखो एरिया कितना 10500, वो तो गिवन है, 10500 इज इक्वल टू 1/2 ठीक है, यह कितना आ जाएगा 3x into 100 ठीक है, 2 1 are 2, 2 50 are 100 कितना आ जाएगा 10500 is equal to 150x। यहाँ से x किसके बराबर आएगा 10500 divided by 50, इसको आप डिवाइड करो ये आपका 70 आ जाएगा ठीक है। अगर आपका x 70 आया, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, अलोंग रिवर कितना था वो 2x था, यानी लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर वो कितना आ जाएगा 2x, 2 into x कितना है 70, वो कितना आ जाएगा फिर 140 मीटर इसका आंसर है ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 10.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, ये मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, एक कल जो सेशन अपलोड किया था, आप फिर से देखो उसको। ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस, देखो क्लोज्ड है ना, इसका मतलब ये बंद है, ऊपर से भी ढक्कन है नीचे से भी ढक्कन है, फिर एक सिलेंडर बना हुआ है, यानी हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा ठीक है। एंड हाइट इतना इज मेड फ्रॉम हाउ मच शीट ऑफ, देखो आपको कितना शीट ऑफ मेटल चाहिए, शीट ऑफ मेटल मुझे इतना ही चाहिए जितना इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है ठीक है। सिंपल आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, गिवन क्या है, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर, हाइट कितना सर 3 मीटर, सिंपल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, वो है 2πr(r+h) ठीक है, 2 × 22/7, रेडियस कितना 7, r+r कितना 7, प्लस हाइट कितना 3, 7 गोज, ये कितना आ जाएगा 44 × 7+3 = 10, वो कितना आ जाएगा 440 m² इसका आंसर है ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कल शायद डिस्कस किया था, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड इज इतना। देखो सिंपल सवाल है, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, शायद आपने नहीं देखा होगा वो, अब इसी में इसको कवर करो ठीक है। इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखो ये जो रोड रोलर होता है ना, ये इस शेप का होता है, ऐसे ऐसे ये रोड रोलर होता है, आपने देखा होगा ठीक है, ऐसे जिसे स्नो वनो क्लियर करते हैं ना, ऐसा ही होता है। अब देखो जब ये चलेगा ना, इसका ओनली ये वाला हिस्सा चलेगा, ये वाला ठीक है, साइड वाले इसे तो नहीं चलेंगे ना, तो हमें इसके बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया से डील करना है। अब देखो जो ये रोड रोलर होता है ये कैसा होता है, सिलेंडर शेप होता है, आपको पता होना चाहिए, सिलेंडर शेप होता है। अब कैसे आपको बेसिकली एरिया निकालना है ठीक है, देखो इसका आपको क्या दिया है, आपको डायमीटर दिया है, देखो ये पूरा आपको दिया है 84 cm, तो रेडियस कैसे निकालोगे सर, 84 / 2 ठीक है, वो कितना आ जाएगा 42 cm, लेकिन आपको सेंटीमीटर में दिया है, और उसकी लेंथ है ना वो आपको 1 मीटर दिया है, तो हम सारा मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। देखो आपको पता है ना 1 cm = 100 cm ठीक है, यानी इसमें आप निकाल सकते हो 1 cm किसके बराबर होगा 1/100 m ठीक है, आपको 42 cm निकालना है, वो 42 / 100 m होगा ठीक है। अब देखो अब आप कैसे कर सकते हो, यहाँ मैं इसका सोल्यूशन यहाँ लिखता हूँ ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो किसके बराबर होगा 2πrh सिलेंडर का ठीक है, 2 × π कितना है 22/7, रेडियस कितना निकाला था हमने 42/100 इंटू हाइट तो 1 मीटर है ठीक है, सो कुछ नहीं करना है 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, ये आपका आ जाएगा 44 × 6/100 ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 264/100, लेकिन ये बेसिकली आपके पास 1 रेवोल्यूशन में
वन रेवोल्यूशन में ही इतना एरिया कवर करेगा, 264 डिवाइड बाई 100। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना करेगा, वन रेवोल्यूशन में इतना कर रहा है, 750 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, वो करेगा 264 डिवाइड बाई 100 इंटू 750। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 1980 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया वो इट 750 राउंड्स में कवर करेगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज, देखो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है ना किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो ये जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आपको कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो बेस एरिया है, ये 180 है। वॉल्यूम कितना है 900 इंटू हाइट, हाइट कैसे निकालोगे, 900 डिवाइड बाई 180, वो आप कैलकुलेट करो, वो आपका 5 मीटर आ जाएगा, इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस खत्म हुए, आप प्रैक्टिस करो इनको एक बार, ठीक है, अच्छे से देखो, मैं पीडीएफ भी अटैच कराऊंगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।